सर मेरा पीनिस सर्दियों में या ठंडे माहौल में सिकुड़ के इतना सा हो जाता है और मुझे तो देख के बड़ी परेशानी बड़ी टेंशन होती है कि पता नहीं क्या हो गया है इसको, ये ठीक भी है या नहीं है, बहुत परेशानी होती है। ये बहुत बहुत कॉमन सवाल होता है और विंटर्स में तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। नमस्कार, मैं हूँ आपका सेक्सोलॉजिस्ट दीपक अरोड़ा। हमारे क्लिनिक्स दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों जगह पे, उसके अलावा हमारी वेबसाइट drarodas.com पे हम ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से आप घर बैठे बैठे अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को हमारे प्रोफेशनल से डिस्कस करके उनमें से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारी वेबसाइट पे सबसे नीचे एक बटन है डार्क येलो या ऑरेंज कलर का, वो बहुत खास क्विज डिज़ाइन की है हमने, और वो क्विज उन लोगों की मदद करने के लिए जिनको ये महसूस होता है कि पता नहीं ऐसा लगता है कि इरेक्शन में दिक्कत आ रही है, किसको पूछूं, क्या करूं, कहां जाऊं, और यहां पे बहुत परेशानी चलती रहती है इंटरनेट पे या यूट्यूब पे, बहुत सारे सवाल देख ढूंढते रहेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे, आर्टिकल्स पढ़ते रहेंगे, मगर फिर भी कन्फ्यूजन चलता रहता है। तो हमने उन लोगों की मदद करने के लिए बड़ी स्मार्ट क्विज डिज़ाइन की है जिसमें गिनती के सिर्फ और सिर्फ 5 सवाल हैं। आप उन 5 सवालों के अपने हिसाब से जो आपको महसूस होता है सही वो जवाब दीजिए, और उस जवाब के अकॉर्डिंगली फिर उसकी रिपोर्ट आपकी ईमेल पे आ जाएगी। और अगर उसमें ये रिपोर्ट ये कहती है कि आपको प्रॉब्लम है, तो उसका इलाज करवाने के लिए आप वक्त रहते किसी प्रोफेशनल्स की मदद लेके उनसे बाहर आ सकते हैं, वक्त रहते इसको ठीक कर सकते हैं। और अगर ये रिपोर्ट कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये टेंशन को छोड़ के मस्त हो जाइए। सो दोनों तरीके ये हमारे पेशेंट्स की मदद करती है जिनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि इरेक्शन में दिक्कत है या नहीं। चलिए आज के टॉपिक को लेके बात करते हैं, जिसमें हमने बात शुरू की थी कि सर्दियों में या ठंडे माहौल में लिंग सिकुड़ के बिल्कुल छोटा सा हो जाता है। आपने खुद भी महसूस किया होगा, और ये करीब करीब हर आदमी अपनी ज़िंदगी में इसको महसूस करता है कि सर्दियों का मौसम आया या ठंडी में बाइक वगैरह चला रहे हैं, बहुत ठंड लग रही है, पतले कपड़े हैं कुछ जिनमें से हवा अंदर क्रॉस हो रही है, या बिल्कुल हल्के कपड़ों में बहुत ज़्यादा ठंडा एसी का टेम्परेचर करके वहाँ पे सो रहे हैं। किसी भी तरीके का जब बहुत ठंडा माहौल हुआ तो लिंग बिल्कुल सिकुड़ जाता है। सो उसकी टेंशन लेना बिल्कुल बंद कीजिए, बिकॉज वो बिल्कुल नेचुरल है, कुदरती तौर पे वो बिल्कुल सही है। आप कई बार देखेंगे जब आपका लिंग बिल्कुल सिकुड़ा पड़ा है ना ठंडे माहौल में, एंड यू वेंट इनटू द वॉशरूम टू टेक द शावर विद द हॉट वाटर, जब आप गर्म पानी से नहा के निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो गर्म पानी से फिर आपको लंबा महसूस होने लग जाएगा। सो वो दोनों तरीके बिल्कुल नॉर्मल है। वो श्रिंक हुआ, चाहे वो इतना है, इससे भी छोटा क्यों ना हो जाए, इसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि लिंग का या पीनिस का खड़े होने के बाद ही साइज का अगर आपको कोई कंसर्न कोई मायने लगता है तो सिर्फ खड़े होने के बाद का है। फ्लैसिड पीनिस से, ढीले पड़े पीनिस से आपने सिर्फ पेशाब करना है और कुछ नहीं करना है। सो अगर आपका इतना सा श्रिंक होके इतना सा बना हुआ पीनिस भी अगर इरेक्ट होके अच्छे खासे सफिशिएंट साइज में आ जाता है जिसे आप आराम से सेक्स कर सकते हैं, फिर टेंशन लेने की क्या जरूरत है। सो इस वहम को, इस परेशानी को यहां से पूरे तरीके से खत्म कर दीजिए, बिकॉज सर्दियों में अक्सर हमारे क्लिनिक में भी पेशेंट्स बहुत आते रहते हैं इस कंसर्न को लेके, एंड आई ऑलवेज फील कि ये लोगों को आने की जरूरत ही नहीं होती है। कहाँ कहाँ दूर दूर से चल के आते, अपना वक्त लगाते हैं, पहुँचते हैं, इधर उधर घुमाइयाँ करके अल्टीमेटली क्लिनिक में पहुँचेंगे, मेरे भाइयों ज़रूरत नहीं है। इस काम के लिए तो आपको किसी भी प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये ज्ञान पाना ही बहुत काफ़ी है आपके लिए। मगर यदि आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम नज़र आता है, तो मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया है हमारी वेबसाइट पर जो क्विज़ है, आप उसको क्विज़ को ज़रूर लीजिए। 5 सवालों के ईजी जवाब दे के आपको पता लग जाएगा कि आपको वाकई किसी की ज़रूरत है या नहीं। और मेरे इस चैनल डॉक्टर अरोड़ास क्लिनिक पे हर रोज़ करीब करीब एक नया वीडियो आता है जो सेक्सुअल हेल्थ के बारे में आपको सही जानकारी देने के लिए, आपकी सेक्स लाइफ बेहतर बनाने के लिए बनाया जाता है। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं कि मैं सही बात करता हूँ, तो इनको शेयर करना मत भूलिए, बिकॉज आप जैसे और भी बहुत लोग होंगे जिनको इस सही जानकारी की ज़रूरत होगी। कीप एंजॉइंग एंड
keep sharing these videos to make this world aware about the appropriate sexual health knowledge.